दोस्तों साल 2029, यह साल हम इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। नासा की माने तो इस साल 10 अप्रैल को एक विशालकाय एस्टेरॉयड हम इंसान के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों इस एस्टेरॉयड का नाम है द एपोफिस। दोस्तों इस एस्टेरॉयड की खोज साल 2004 में की गई थी और यह एस्टेरॉयड हमारी सूरज की परिक्रमा कर रहा है। इस एस्टेरॉयड को भी सूरज का एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता है जितना हमारी पृथ्वी को लगता है। यह एस्टेरॉयड 360 मीटर बड़ा है, जिसका कंपैरिजन किया जाए तो ये एक आईफिल टावर से भी ज्यादा बड़ा है। ऐसे तो ये देखा जाए तो ये एस्टेरॉयड को पृथ्वी से टकराने की चांसेस सिर्फ 2% है, पर आगे क्या होता है वो कहना मुश्किल है। चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि 2029 में ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से बिना टकराए गुजर जाता है, तो इस एस्टेरॉयड की कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। ये एस्टेरॉयड 2036 में फिर से लौटेगा और फिर से इसके चांसेस पृथ्वी से टकराने के होंगे। दोस्तों 2029 में जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो इसी और इसके पृथ्वी की दूरी से 30,000 किलोमीटर होगी, जो हमारे चंद्रमा से भी कम है। जब एपोफिस गुजरेगा तो हम इसे अपनी नंगी आंखों से भी आसमान में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि ये एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी के काफी करीब से गुजर गया, तो सबसे पहले इसे ऑस्ट्रेलियन हेमिस्फीयर में दिखाई देगा और वो धीरे धीरे करके इंडियन ओशन के ऊपर से भी देखा जाएगा। कुछ ही घंटों में ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा के फिर से अपने सफर की ओर बढ़ जाएगा। दोस्तों आज भी साइंटिस्ट इस एस्टेरॉयड के ऊपर नजरें गहराई बैठी, क्योंकि इस एस्टेरॉयड के रिवोल्यूशन पीरियड में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो हम इंसानों के लिए ये बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। मैं अनसीन इजाजत देता हूँ आपसे, मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।